नया स्पंज होता है आप उसमें पानी डालो तो वो अपने आप ही ठीक रहता है, मगर जो लूज स्पंज होता है वो उतना ही खींचता है और जल्दी छोड़ देता है। तो पीएच स्किन और हेयर दोनों का होता है, और पीएच को नापा जो जाता है, जैसे वेट को किलोग्राम में या ग्राम में नापते हैं और लिक्विड को लीटर या मिलीलीटर में, इसी तरह पीएच का एक स्केल है जो कि 1 से लेकर 14 तक होता है। उसका जो न्यूट्रल है, तो पानी का जो पीएच है वो 7 होता है, ठीक है? तो 14 का आधा 7 हो जाएगा ना, तो 7 जो है वो उसका न्यूट्रल है, जो पानी का है, पानी का पीएच, पानी का पीएच। अब ये उस हार्ड वाटर का, ये जो नॉर्मल अगर मैं एक नॉर्मल पानी जो साफ सुथरा रहे, हार्ड वाटर का शायद ज्यादा हो सकता है, अगर एक मैं नॉर्मल पानी का पीएच देखूं तो वो 7 है। इसी तरह स्किन और पीएच, बाल का जो पीएच है वो 4.5 से 5.5 है, विच इज एक्चुअली 4.5 to 5.5, ये बाल का पीएच है, और ठीक है। उसके बाद जितने भी ये शैम्पूज हैं, अच्छा, तो 4.5 से 5.5 स्किन और बाल का हो गया। अगर पीएच 5.5 से जैसे ही ज्यादा होगा, बाल ड्राई की साइड पे जाएगा, उसको टेक्निकली बोलते हैं एल्कलाइन, और उसमें बाल ड्राई होना शुरू हो जाएंगे, जैसे देख रहे हैं बाल झाड़ू हो जाते हैं, रफ होने लगते हैं। और अगर 4.5 से कम होना और ज्यादा शुरू हो जाएगा, तो बाल या स्कैल्प ऑयली होना शुरू, चिपचिपा होना शुरू, उसको बोल टेक्निकली बोलते हैं एसिडिक, एसिडिक और एसिडिक एल्कलाइन, ऑयली ड्राई, ठीक है। अब जो ये शैम्पूज नॉर्मली जो होते हैं, जो मार्केट में आते हैं, उसका पीएच 5.5 से शायद कहीं ज्यादा होता है, 7.5 तक हो जाता है, अलग अलग पीएच, क्लिनिक प्लस का देख लो, अलग अलग पीएच है सर, वो उस पर वो कोई कमेंट नहीं है, मगर जितने भी श्वार्ट्ज़कॉफ के प्रोफेशनल शैम्पूज हैं उन सब का पीएच 4.5 to 5 है। कितना है? 4.5 to 5। और मैंने बाल का पीएच कितना बताया? 4.5 से 5.5। तो ये पीएच बैलेंस शैम्पू है। और फिर कलर फ्री शैम्पू सल्फेट फ्री कैसे हुआ? क्योंकि सबका सेम ही होगा। यस, सबका सेम है सर, पीएच रिपेयर का सेम है। कलर फ्री पे स्पेशल 4.5 लिखा होता है। यस, मैं बता दूं। उसके साथ साथ कुर्सी लगा लो अंदर से। जब ये कंडीशनिंग का ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके जितने भी ये कंडीशनर्स हैं या मास्क हैं या जिसको हम ट्रीटमेंट बोलते हैं, तो उनका जो पीएच है वो लगभग 3.0 to 3.5 है, मतलब और पीएच उसका कम है। तो अगर हम ये बोलते हैं ना कि मैम आपके बाल ना एक्सट्रीम डैमेज है, आप ना ये वाला मास्क यूज करो, तो वो मास्क जो है वो थिक क्रीम है। तो अगर पीएच लगभग 5.5 से कहीं ज्यादा है, वो उसको नॉर्मल लाने में हेल्प करता है, ठीक है। और अगर किसी की ऑयली स्कैल्प है, वो ऑयल है बाल में, तो उसको क्लेंजिंग शैम्पू से हम वो करते हैं। सो ये पीएच का। अब सल्फेट जो है, इसको सोडियम लॉरेट सल्फेट बोलते हैं, SLS शॉर्ट फॉर्म में आता है, SLS, सोडियम लॉरेट सल्फेट। सल्फेट जो है वो एक तरह का क्लेंजिंग एजेंट है, और ये क्लेंजिंग एजेंट टूथब्रश से लेकर साबुन तक हर किसी में होता है, ताकि झाग बन सके। अब ये देखा गया है, जब कलर पिगमेंट अंदर गया है और जितना हम SLS यूज कर रहे हैं, वो पिगमेंट, क्योंकि ऑफकोर्स क्यूटिकल लेयर ओपन हो रही है, तो पिगमेंट बहुत जल्दी निकल रहे हैं, इसीलिए कलर वाला शैम्पू कलर फ्री सल्फेट फ्री रखा गया, ताकि वो उसको और कलर के पिगमेंट को बनाए रखे, ये सल्फेट, ठीक है। सो दैट्स इट, ये था।